देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दर्शकों, हर रोज की तरह हम आज भी आपको बताएंगे कि आखिर आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आज आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं और आज उन सितारों की चमक आखिर क्या कहती है, आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं आज आपकी किस्मत के सितारे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना राणा का, जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। रंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। रंजना जी, आज हम आपसे कुछ अलग जानना चाहेंगे। हर एक व्यक्ति को लालसा होती है कि उसके पास धन हो, दौलत हो, वो सारी सुख सुविधाएं हों जो एक पर्याप्त जीवन के लिए चाहिए होती हैं और उसके लिए ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा धन की। तो आज हम आपसे जानेंगे कि आखिर धन की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आसानी से धन की प्राप्ति हो सके। देखिए, ये धन की जो लालसा है सबको होती है, उसके लिए छोटे छोटे उपाय होते हैं, उनको अगर आप रोज करेंगे उससे आपको बहुत फायदा होगा। पूर्णमासी वाले दिन अगर आप एक अखंडित पीपल के पेड़ का पत्ता लेंगे, उस पे लाल चंदन के साथ राम लिख के उस पे लड्डू चढ़ा के आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएंगे, उससे आपको बहुत फायदा होगा और ये आपको 7 दफा करना होगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जैसे ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र अगर आप 2 माला रोज करेंगे, इससे भी जो आपका रुका हुआ पैसा भी है कहीं पे, वो भी आने लग जाएगा। तो इसको आप रोज करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। रंजना जी, कई बार होता है कि लोग बिजनेस डालते हैं, शुरुआत करते हैं, सोचते हैं कि चलिए कुछ इनकम होगी, अच्छा होगा। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, कैसे तरक्की की जाए। लेकिन उससे पहले दर्शक हैं कशिश सिंह पलवल से, उनके सवालों के जवाब देते हैं। कशिश, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/11/2004 है जी, और क्या कहते हैं, मैंने ना टेस्ट दिया हुआ है नवोदया का, मुझे क्लियर करना है कि मेरा उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं। जी कशिश, बिल्कुल बताएंगे आपको कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? कशिश, आपके ये जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली होगा, आप बिल्कुल भी इस बारे में परेशान मत होइए, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए और आपका सिलेक्शन होना एकदम पॉजिटिव ही दिख रहा है यहाँ पर। चलिए कशिश, आपको परेशान नहीं होना है, आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता का आएगा, पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। रंजना जी, हम बात कर रहे थे धन की, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कई बार होता है कि लोग ना बिजनेस डालते हैं लेकिन होता क्या है कि उनको सक्सेसफुल नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, आखिर सक्सेसफुल पाने के लिए कैसे उपाय करने चाहिए? देखिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय है, एक तो वास्तु के हिसाब से भी हमको देखना चाहिए कि जो ईस्ट की साइड में है हमको एक स्वास्तिक लगा लेना चाहिए जी। इसके अलावा जो उनका मंदिर है उसमें एक हल्दी के साथ पीले रंग का एक थाली के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उस पे गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं, जो कि वो अपने जितने लोग वहाँ काम करें उनमें आप बांटते हैं, और इस तरह आप रोज करिए तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, वो खत्म होंगी और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लग जाएगा। ये आप रोज भी कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। बिजनेस वालों के लिए ये हमने बताया, थोड़ा सा इंतजार करिए, और भी आपको कई सारे सफलता के सूत्र बताएंगे, लेकिन उससे पहले आशा करनाल से हमारे दर्शक जुड़े हैं। आशा कहिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, अपने बेटे के लिए पूछना था। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए आशा जी। 3/10/2001 जी। क्या पूछना है बेटे के लिए? बेटा नहीं है, कहना नहीं मानता जी। बिल्कुल बताएंगे आपको कि आखिर बेटा जिद्दी है, बात नहीं मानता। आज तो मदर्स डे है, तो ऑफिसर्स अपने बेटे से कहिए कि आज तो वो आपकी बात मान ही लेगा। हर बच्चे के लिए ये दिन बड़ा स्पेशल होता है,
और आखिर आपके बेटे को क्यों ये परेशानी है, आखिर क्यों नहीं मानता, कार्ड से बता देते आपको? नहीं, वो बेचारा थोड़ा सा हठी है, थोड़ा सा उसका अंदर में ना लो सेल्फ इस्टीम है, उसको लगता है मेरी बात मानते हैं तो मेरी मदर मेरे से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो थोड़ा सा उसको ये मन में ज़रूर होता है। पर इसके अलावा अगर आप दो रोटी और गुड़ रोज गाय को देना शुरू कर देंगे, उससे ये उसके मन में जो हीनता की भावना है वो खत्म होगी और डेफिनेटली वो कहना भी मानेगा और उसके जो हट है वो कम हो जाएगा। चलिए, सीमा हमारी अगली दर्शक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सीमा कहिए, क्या सवाल है आपका? हम अपने हस्बैंड के विषय में जानना चाहते हैं। 13 नवंबर 1953 जी, समय है 10:30 दोपहर में जी, स्थान है बिहार जी। क्या जानना चाहती हैं आप? जानना चाह रहे हैं कि इनका इनके ऊपर थोड़ा कर्ज ज्यादा है और इनका अपना मकान नहीं है, तो इस साल मकान लेना चाह रहे हैं, क्या मकान होगा और कर्जा जल्द छूटेगा? अपने अपने हस्बैंड का नाम बताइए सीमा जी। नाम है चंद्रगुप्त प्रसाद सिन्हा जी। जी, हम देख सकते हैं कि कर्ज उतारने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए आप ऐसे करिए कि 21 शुक्रवार को आप कन्याओं को, 5 कन्याओं को खीर खिलाइए जिसमें चीनी नहीं, मिश्री डालिए, और आप देखेंगे जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे उससे ये जो इनके कर्ज हैं वो धीरे धीरे उतरने लग जाएंगे, धन का जो अभाव आपको लगता है वो नहीं रहेगा, वो आने लग जाएगा। और इसके अलावा ये भी है कि इनका घर बनना है उसमें भी, आई एम सॉरी, ये भी थोड़ा सा विलम्ब है, उसमें भी डेफिनेटली आपको 1-1.5 साल रुकना पड़ेगा। चलिए सीमा जी, परेशान मत हुई है, कभी कभी होता है कि जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो शायद अभी आपका वही वक्त है, 1-1.5 साल का थोड़ा इंतजार है, करिए, कोशिश कीजिए, सफलता आपको मिलेगी, मेहनत कीजिए। हम बात कर रहे थे सफलता के बारे में, धन के बारे में, और यहाँ सीमा जी ने भी वही सवाल पूछ लिया कि आखिर कर्जा बहुत है, घर भी नहीं है, तो ऐसा यहाँ पर एक सवाल और बनता है रंजना जी, कई लोगों पर होता है कि कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, कई बार लोग मतलब इस कगार पर आ जाते हैं कि वो अपनी जिंदगी समाप्त करने के लिए भी सोचते हैं। अच्छा, कर्जे को कम करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जो इंसान को कर्जे में न घिरा रहना पड़े, ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नेपाल से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवाल का जवाब देंगे। राम लगन शाह कहिए, क्या सवाल है आपका? जॉब के बारे में पूछना है, फ्यूचर के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। मेरा 26/2/1985 है जी। डेट ऑफ बर्थ मेरा 26/2/1985 जी, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे आपको। हाँ, देखिए ये जो मैं देख रही हूँ आपका जो जॉब है इसमें थोड़ी सा, वैसे भी आपकी जो लाइफ रही है उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ा है, तो इससे ज़्यादा आप फिक्र मत करें, धीरे धीरे ये काम जो है आपके ठीक हो जाएंगे, मगर आपको गरीबों को खाना ज़रूर खिलाना है, और मैं देखती हूँ आपके 2 महीने के अंदर अंदर जॉब अच्छा लग जाएगा, उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर शनिवार वाले दिन गरीबों को, 5 गरीबों को ब्रेड पकौड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ या तेल का दान कीजिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। चलिए, निश्चित तौर पर शाह जी आपको सफलता मिलेगी, आपको जो अब भी मिलेगी, थोड़े जो उपाय बताए हैं उनको आप कीजिए तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अब हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में आगे बढ़ते हुए, और जानते हैं कि आखिर 1 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, उनकी किस्मत के सितारे आज उनके लिए क्या बोल रहे हैं। 1 नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको कोई ना कोई नया बिजनेस प्रपोजल मिलेगा जो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनके लिए उसमें बहुत फ़ायदा होगा, और उनका जो आज का रंग है वो है सफ़ेद, और उनका जो अंक है वो है नंबर 2। चलिए, 1 नंबर वालों के लिए हम जान चुके हैं, आगे भी 2 नंबर वालों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले किरण हमारी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। किरण कहिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, मेरा नाम किरण है और मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहती हूँ और सेहत के बारे में। जी किरण, जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17/10/1993 हाँ जी, हम देख रहे हैं आपकी जॉब जो है वो जॉब लग जाएगी आपकी, तो आपके मन मुताबिक जो जॉब है उसको लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जो भी आपको जॉब सबसे पहले मिलती है 1-1.5 महीने के अंदर, उसको आप डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लें, मन मुताबिक जो जॉब है वो आपकी 6 महीने के बाद लगेगी, थोड़ा सा विलंब है मगर आपको बिल्कुल पेशेंस रखनी चाहिए और आपकी मन मुताबिक जॉब जरूर मिलेगी। चलिए सीमा जी, थोड़े सब्र का यहाँ पर आपको वो देना है, सब्र रखना है, 6 महीने के अंदर आपको जॉब मिलेगी, परेशान मत हुई है, थोड़ी सी वक्त है सफलता मिलने में। आगे बढ़ते हुए 2 नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर 2 नंबर वालों के लिए आज क्या
क्या कह रहे हैं, उनका दिन आज कैसा गुजरेगा, क्या कुछ खास करना है उन्हें आज? दो नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहे, कोई नई योजना बनाना चाहे, कहीं कोई ट्रैवल प्लान्स बनाना चाहे, आज का दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली उसमें जाएं, पता कराएं, और उसमें अगर कोई बिजनेस के लिए भी ट्रैवल प्लान्स बनाएंगे उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उनका आज का जो लकी कलर है वो है पीला, और उनका जो लकी अंक है वो है नंबर 3। चलिए, दो नंबर वालों का लकी रंग पीला है और लकी अंक 3 है। निशा हमारी अगली कॉलर हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़ चुकी हैं। निशा कहिए, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए निशा। मैम मुझे मेरे बड़े ब्रदर के लिए पूछना है, उनका नाम राजेंद्र सिंह है जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए निशा उनकी। 13 नवंबर 1982 है जी। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना है उनकी जॉब कब तक लग जाएगी, वो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पहले उनकी जॉब थी अकाउंटेंट से, अब कब तक लग जाएगी मैम जॉब? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कार्ड्स के जरिए कि उनकी आखिर जॉब कब तक उन्हें मिल पाएगी। इन कार्ड्स से दिखाई दे रहा है कि इनको तो जॉब बहुत जल्दी मिलने वाली है, महीने के अंदर अंदर इनका कार्य होने वाला है। इनको ज्यादा फिक्र नहीं करें, वो हमेशा पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हैं और अपने आप को मन में डिप्रेशन लेके आते हैं। वो डिप्रेशन से निकले, पॉजिटिव सोचे और अपने जो भी इंटरव्यू पे जाएं उसमें कॉन्फिडेंटली जाकर करें, महीने के अंदर अंदर उनको जॉब अवश्य मिलेगा। चलिए निशा, आपके भैया के बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। निश्चित तौर पर जैसे आपने पूछा कि जॉब कब मिलेगी, तो थोड़ा सा वक्त है, एक महीने का इंतजार है, जॉब जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हुए तीन नंबर वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर तीन नंबर वालों के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं, आज उनका दिन कैसा गुजरने वाला है, आखिर क्या खास मिलने वाला है उनको आज। आज तीन नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। उसमें उनको अपने जहाँ पे भी वो जाएंगे अपने सोशल सर्कल में उनको बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है। उनको अपने जितने कार्य क्षेत्र में भी उनको सबका सहयोग मिलने वाला है, तो आज का दिन वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी, तो इसे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलें घर से और सारे आपके कार्य अवश्य सफल होंगे। चलिए, तीन नंबर वालों के कार्य अवश्य सफल होंगे, लेकिन आपको बड़ों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलना है। आखिर चार नंबर वालों के लिए आज का दिन कैसा है, कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं, उनकी किस्मत के सितारे आज क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं। चार नंबर वालों के लिए जैसे कार्ड निकल रहे हैं बहुत अच्छे निकल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा कहीं पे कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा कहीं पे इनमें कॉन्फिडेंस लूज किया हुआ है। वो बिल्कुल अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपनी ऊर्जा जो है उसको ठीक रखे और बाजरा और चीनी रोज चिड़िया को डालना शुरू कर दें, चींटियों को डालना शुरू कर दें। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, माइंड में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी ठीक होंगी, एंड डेफिनेटली जो भी ये कार्य करना चाहते हैं उसमें इनको सफलता प्राप्त होगी। इनका आज का जो लकी रंग है वो है नीला, और उनका जो लकी अंक है वो है 8। चलिए, चार नंबर वालों का आज लकी कलर ब्लू है और 8 नंबर लकी है, तो कोशिश कीजिएगा आप ब्लू कलर को फॉलो करें, आज का दिन और भी अच्छा रहेगा आपका। आगे बढ़ते हुए पांच नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर पांच नंबर वालों के लिए आज क्या कुछ खास होने वाला है, लकी अंक उनका क्या है और लकी रंग उनका आज क्या है। पांच नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि डेफिनेटली इनके जो कार्य क्षेत्र में है इनका भी बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। कोई नई ये योजना बनाएंगे और जिससे कि इनको सफलता बहुत मिलने वाली है। डेफिनेटली थोड़ी सी इनको मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर, मगर डेफिनेटली उसमें इनको सहयोग भी मिलेगा सबसे, और उनका भी आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलेगा। उनका जो आज का रंग है वो है पिंक, और उनका जो अंक है वो है नंबर 6। चलिए, पांच नंबर वालों के लिए लकी रंग पिंक है और लकी अंक आपका 6 है, तो यहाँ इंतजार करना है 6, 7 और 8, 9 नंबर वालों को, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि कार्यक्रम हमारा जारी है, लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन हाजिर होंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद, श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। अब अपने स्टाइल में इवेंट सेलिब्रेट करें, खुद ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट रैपर्स और लेबल्स डिजाइन करना सीखें HSCIT में। थैंक यू HSCIT। HSCIT हरियाणा स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स।
बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुंचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बी आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर, बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार, MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती है। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना राणा, जो आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। रंजना जी, हम बात कर रहे थे 5 नंबर तक हम जान चुके थे, अब हम बात करेंगे 6 नंबर वालों के लिए कि आखिर 6 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आज उन्हें क्या कुछ खास करना होगा और आज उनकी किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं। 6 नंबर वालों का दिन आज बहुत अच्छा है, उनका जो भी फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर वो नई नई चीज़ें जो उसके बारे में देख सकते हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे वो अपने फाइनेंसेस बढ़ा सकते हैं उसके अंदर वो अपना सोच सकते हैं। जो बिजनेस में है वो अपनी न्यू कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला आज का दिन। एंड डेफिनेटली गुड़ के ऊपर थोड़ा सिंदूर लगा के अगर वो पक्षियों को डालेंगे उससे उनको और भी ज़्यादा लाभ होगा, तो उनको आज ये ज़रूर करना चाहिए। उनका जो आज का रंग है वो है ग्रीन और उनका जो लकी अंक है वो है नंबर 5। चलिए 6 नंबर वालों के लिए हम जान चुके हैं, 7, 8, 9 जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले महम से एक सविता हमारी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सविता कहिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं अपने पति बनना चाहती हूँ। जी बताइए, पति की डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम बताइए सविता। जी नाम तो अजीत और डेट ऑफ बर्थ 21-4-85। जी क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? जी उसके जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ।
जी जरूर बताएंगे आपको कि आपके पति की जॉब आखिर कब तक लग पाएगी। हाँ जी, हम देख सकते हैं कि आपके जो पति की जॉब है वो बहुत जल्द लगने वाली है, आप फिक्र मत करें। खाली जब वो इंटरव्यू करने जाएं उनको बोलिए कि ओम गणेशाय नमः की दो माला करके जाएं, उससे उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ये सोच सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर उनको जॉब उनके मन पसंद का ज़रूर मिलेगा। चलिए सविता, ओम गणेशाय नमः का जाप करके जाना है तो निश्चित तौर पर जॉब मिलेगी और बहुत जल्दी जॉब मिलेगी। पूनम अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम कहिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी नमस्कार पूनम, बताइए सवाल बताइए। जी मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना था। बहन का नाम बताइए और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए पूनम। मेरी बहन की 9 अप्रैल 1983। जी जी, उनके उनके हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो ये झगड़े मतलब कब खत्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल बताएंगे कि आखिर जो उनके झगड़े हो रहे हैं फैमिली में वो आखिर कब तक खत्म हो जाएंगे। उनकी देखिए जो झगड़े हो रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डेफिनेटली उनको अभी थोड़ा बहुत उनको समझाने की बहुत आवश्यकता है और उसमें अभी 2.5 महीने के करीब तो लग जाएगा। उसके लिए उनको ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इसका जाप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 2.5-3 महीने में जो भी झगड़े हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपना पेशेंस के साथ सुलझा सकते हैं आराम से। चलिए पूनम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने जो बहन को लेकर आपकी चिंता है वो जायज़ है, लेकिन यहाँ थोड़ा वक्त लगेगा। 2 से 2.5 महीने का वक्त आया है कार्ड्स के जरिए, तो 2-2.5 महीने बाद निश्चित तौर पर उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। 7 नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर 7 नंबर वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं। 7 नंबर वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। हम देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो बिजनेस में है उनका भी बहुत अच्छा होगा और जो अपने घर में जो गृहणियाँ हैं उनको भी अपने सब जितने भी घर में लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, पूरा रिस्पेक्ट पूरी अफेक्शन मिलने वाली है। और जितने भी लेडीज़ जहाँ पे भी काम करें उनको भी बहुत ही ज़्यादा आज जो भी कार्य करना चाहेंगी उसमें उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। तो 7 वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। उनका जो लकी कलर है वो है क्रीम और जो लकी अंक है वो है 1। चलिए 7 नंबर वालों के लिए क्रीम कलर लकी है, 1 आपका लकी अंक है, तो कोशिश कीजिएगा इन्हें फॉलो करने की। और आगे बढ़ के जानेंगे 8 नंबर वालों के लिए आज का क्या दिन है, कैसा रहेगा, आखिर कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं और उनका लकी रंग और लकी अंक क्या है। 8 नंबर वालों का दिन भी हम देखते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलने वाला है और उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी मिलने वाला है, इससे उनका रंग आज का जो दिन है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। किसी ने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई नए घर में शिफ्ट होना है तो वो बहुत ही जल्दी उनके प्लान्स बनने वाले हैं, तो उसको इसलिए उनको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो लकी रंग है वो है नेवी ब्लू और जो लकी अंक है वो है 4। चलिए 8 नंबर वालों के लिए नेवी ब्लू लकी रंग है और 4 लकी कलर रंग अंक है आपका, तो कोशिश कीजिएगा इसे फॉलो करने की। और अब बारी आ गई है लास्ट और 9 नंबर की, क्या कि 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन कैसा है, कार्ड्स उनके लिए क्या कह रहे हैं और उनका लकी रंग और अंक क्या है ये भी जानेंगे। 9 नंबर वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा आज डिप्रेशन टाइप लग रहा है, उनके मन में बहुत ज़्यादा उलझने लग रही हैं उनको, मगर बिल्कुल भी उनको नकारात्मक तरीके से नहीं सोचना है। उनको थोड़ा सा अपना धार्मिक कार्यों में उनको अपना मन लगाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और डेफिनेटली जो है जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनका स्वास्थ्य है वो सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव सोचें और खुश रहें और डेफिनेटली उनका जो आज का दिन वो भी बहुत अच्छा निकल जाएगा। उनका जो लकी कलर है वो है ब्राउन और उनका जो लकी अंक है वो है 7। चलिए 9 नंबर वालों को जो उलझने सता रही हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें खत्म करनी है, क्योंकि वो उलझने उन्होंने खुद ब खुद बना रखी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उलझने खत्म कीजिए और खुशी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। रंजना जी, यहाँ हम नंबर्स के बारे में जान चुके हैं, हमारा सवाल एक ये था कि लोग कहीं ना कहीं होता क्या है कि कर्ज जो उनके ऊपर इतना हो जाता है कि लोग कभी कभी जिंदगी समाप्त करने के लिए भी सोचते हैं, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि लोगों के पास इतना कर्ज ना हो, अगर कर्ज है तो उससे वो धीरे धीरे कम हो जाए।
उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि दो रोटी और गुड़ गाय को वो खिलाते चले जाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जितने भी उनका कार्य क्षेत्र है, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो दुकान है, वहाँ पे वो पूर्णमासी वाले दिन 3 नारियल एक पीले कपड़े में बांध के लगा दें, रोज़ उसको गंगा जल और धूप अगरबत्ती जलाएं। इससे जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उनके काम में या उनके बिजनेस में वो खत्म होगी और डेफिनेटली गुड फ्लो ऑफ मनी हो जाएगा और उनके जो भी है पैसा आने से उनके सारे कर्ज भी उतर चले जाएंगे। इससे उनको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए रंजना जी, आपने इतना समय दिया, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, इतने सफलता के सूत्र बताए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही।